अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपको? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से और अल्लाह के करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज हम लोग मौजूद हैं प्रिंस कैफ़े हसन अब्दाल में। आज यहाँ पे फूड रिव्यू करने आए हैं हम लोग और अभी ऑर्डर करते हैं खाना, तो फिर आपको बताते हैं कि कैसा है। हाँ जी, तो अभी ऑर्डर हमने दे रहा हूँ और मुँह में अभी मेरे पानी आ रहा है, बहुत बहुत सख्त लगी हुई मुझे इस टाइम। और उसने अभी कहा है कि 15-20 मिनट तक आएगा खाना, तो अभी 15-20 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा फिर। और साथ नान बोल रहे हैं, रोटी बोल रही है जी। तुम्हें पता है कि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, मैं बिल्कुल जल्दी मंगवाओ जी। तो अभी साथ रोटी मंगवाई है क्योंकि नान तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, और क्योंकि कभी मजबूरी में नान खाने पड़ते हैं तो मैं खा लेता हूँ, वरना ज़्यादातर रोटी ही खाता हूँ मैं। मेन हसन दाल अड्डे पे आई है प्रिंस कैफ़े, जहाँ पे काफ़ी लोग मुझे बड़े गौर से देख रहे हैं कि यह बंदा जो कैमरे के साथ ही बातें किए जा रहा है, लेकिन अब क्या करें, देखने दें उन्हें। बकास भूख तो नहीं लगी काफ़ी, थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा, तकरीबन 5-6 मिनट रहते हैं उनके, आ जाएगा। मुझसे ज़्यादा तुम परेशान लग रहे हो यार, मुझे बहुत सख्त भूख लगी, आ जाएगा यार, आ जाएगा, थोड़ा सा सब्र करो। क्या बात है, आज दिन को नहीं खाना खाया? खाया है यार दिन को, लेकिन फिर भी अभी टाइम हो रहा है, तकरीबन क्या टाइम हो रहा है, 9:05 हो गए, 9:02 हो गए, 9:05 हो गए हैं। और मैंने खाना, तुम्हें पता है दिन को किस टाइम खाया था? किस टाइम खाया? 1 बजे मैंने खाना खाया और अभी 9 बज रहे हैं, 8 घंटे बाद। तो इतने टाइम में तो मेरे ख्याल में भूख लग ही जाती है इंसान, क्यों व्यूवर्स, इतने टाइम में भूख लग जाती है ना। ये क्या है, ये क्या चीज़ है? सिरका। क्या है? सिरका है, लेकिन सिरके में क्या पड़ा हुआ है? सिरके में प्याज, प्याज पड़ा हुआ है, खा के देखना। ऐसे तो नहीं खा सकता खाने के साथ ही, ऐसे ही खाऊँ यार, कड़वा होगा, मजे का यार। बकास में ट्राई करोगे ये सिरके वाले प्याज? नहीं, थैंक यू, अच्छे हैं यार, मुझे नहीं खाने। मैं लोगों का बारी की और सारी चीज़ें आ गई, हमारे लिए भी लग नहीं आ रही। उसे कहो यार आप जल्दी ले आए प्याज खाने के लिए। मैंने कहा यार भूख लगी हुई, प्याज ही थोड़े से खा लो। क्यों परेशान है? भूख बहुत सख्त लगी हुई है, अभी तक खाना नहीं आया। खाना नहीं गया अभी तक? नहीं, कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया है अभी? 10 मिनट भी नहीं हुआ यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया, आधा घंटा गुजर चुका। क्या ऑर्डर दिया? ऑर्डर हमने मलाई बोटी का दिया, मलाई बोटी, मलाई बोटी में अपन मलाई बोटी, वाइट मलाई बोटी कढ़ाई। अच्छा, कढ़ाई भी है उसमें, तो टाइम लगता है ना, पहले उसमें कोने में फ्राई होता है, उसके बाद कढ़ाई में चले जाता है आधा घंटा। मैं ये बताएं कि इस होटल की सबसे स्पेशल चीज़ कौन सी? स्पेशल सारे ऐसे बारबेक्यू ऐसे है, बारबेक्यू स्पेशल, लेकिन ज़्यादा स्पेशल एक होती है ना, डिश की ज़्यादा स्पेशल होती है यहाँ पर मछली बारबेक्यू, वो सारा ये चलती ज़्यादा है। अच्छा, फिश, फिश मछली तो वैसे हसन अब्दाल की बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है, फिर प्रिंस कैफे का तो बहुत मशहूर है, प्रिंस कैफे का तो और मशहूर है। अभी जिस होटल में हम लोग आए हुए हैं तो यहाँ पे टेबल पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, तो आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को आ रही होंगी, लेकिन थोड़ा सा आवाज़ों को इग्नोर कर दीजिएगा, अब क्या कर सकते हैं, आवाज़ें तो फिर आएंगी ना, पब्लिक प्लेस है ये। 20 मिनट्स अभी सिर्फ रोटी आई है, फाइनली जी इंतज़ार ख़त्म हो गया और हमारा ऑर्डर आ चुका है, तो अभी खाना खाते हैं और खाना खा के बताते हैं आपको किस तरह का है। एक अलग सा जायका है इसमें,
और मेरे नहीं ख्याल कि मैंने पहले ऐसी वाइट कढ़ाई कभी खाई है। क्यों कहा आपने खाई है ऐसी पहले वाइट कढ़ाई? ऐसा काफ़ी अरसे बाद ऐसा टेस्ट देखने को मिला। के साथ आपको चटनी भी मिलती है यहाँ पे। अचार भी मिलता है यहाँ पे। और ये चीज़ रह गई थी, सिरके वाले प्याज भी मिलते हैं, ये वैसे भी आप लोग खा सकते हैं और सालन के साथ भी। रजावा नहीं यार, बस बहुत है। और कुछ चाय कहो, पानी क्या पीना है? बता। चाय पी। चाय? हाँ। चाय से अम्मी नहीं पाँच बोल। ठीक है। वैसे पाकिस्तानी है, जहाँ जाते हैं हम चाय तो पीते हैं ना। फिर ये कढ़ाई है जी, बकास ने खाली कर दी है। बकास ने खाली कर दिया। हाँ, अकेले में खाली किए मैंने। हाँ जी, अभी चाय आ चुकी है तो चाय पीते हैं हम।